और तवासी बिल हक वसीयत जो की जा रही है अगर मुकम्मल हक की जाएगी। एक ये भी हो सकता है ऐसे हकायक को बयान किए जाएं जिनसे किसी को गदंद न पहुंचता हो, किसी को वो जाकर टकराते ना हो, और एक जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट हो कि देखिए हम वो बात बयान नहीं करेंगे कि जो आपको पसंद ना पसंद हो, बाकी बातें हमें करने दो। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है नमाज रोजा हज ज़कात, आप अमरीका में जाकर भी वास कहेंगे इसका तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप सऊदी अरब में वास कहिए कोई आपको रोकेगा नहीं, इसराइल में जाकर वास कहिए कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप इस्लाम के निजाम सियासी माशी माशर्ती की बात करेंगे, अब जाहिर बात है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अमरीका के अंदर। इसीलिए आज आपको मालूम है कि सारी बात क्या चल रही है अमरीका की तरफ से, वो कहते हैं वॉर विद इन इस्लाम, वी आर नॉट गोइंग इन वॉर अगेंस्ट इस्लाम, हम इस्लाम के खिलाफ कोई जंग नहीं कर रहे, हां वॉर विद इन इस्लाम हम चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, वॉर विद इन इस्लाम क्या है कि एक मुसलमान वो है लिबरल है, वो बस नमाज रोजा बस अकीदा बस नाम के मुसलमान है, उन्हें इससे गरज नहीं है कि इस्लाम का निजाम अमलन कायम हो दुनिया के अंदर। इसलिए उनसे तो हमारी लड़ाई नहीं है, उन्हें तो हम सीने से लगाने को तैयार हैं। वो आए अमरीका में सिनेगॉग्स खरीद ले मस्जिद बना ले हमें कोई एतराज नहीं, चर्च खरीद ले मस्जिद बना ले हमें कोई एतराज नहीं। इस नमाज रोजे वाले दीन से मजहब से इस्लाम बहता है बहसियत मजहब से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है उस पॉलिटिकल इस्लाम से, उस फंडामेंटलिस्ट इस्लाम से जो ये चाहता है कि इस्लाम एक निजाम जिंदगी की हैसियत से कायम हो नाफिज हो। जाहिर बात है वो तो फिर हमारे बदले मुकाबिल आ गया, एक हमारा निजाम है हमारा कैपिटलिस्टिक निजाम हमारा सेक्युलर जमहूरियत का निजाम, ये तो हमें बहुत अजीज है, हम इसकी कुर्बानी किसी से शक्ल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटकर लड़ाएंगे, वॉर विद इन इस्लाम कि जो सिर्फ नमाज रोजे वाले इस्लाम के मानने वाले हैं वो मुनज्जम होकर वो बेहकरी करें उन मुसलमानों की जो इस्लाम को एक सियासी कुव्वत की हैसियत से एक रियासत की हैसियत से एक हुकूमत की हैसियत से एक मुकम्मल माशरे की हैसियत से एक मुकम्मल माशी निजाम की हैसियत से देखना चाहते हैं। यह है असल में वो मामला कि अगर आप पूरे हक की दावत देंगे तो लाजमन मुखालफत होगी, बल्कि अगर मुखालफत नहीं होती तो यह सबूत है कि आप पूरे इस्लाम की दावत नहीं दे रहे, आपने कहीं ना कहीं बातिल के साथ कंप्रोमाइज किया है, कहीं कोई आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट है, उनकी दुखती रगों को आप नहीं छेड़ रहे हैं तभी वो मुखालफत नहीं कर रहे, वरना मुमकिन नहीं है कि उनकी दुखती रग पर आपका हाथ पड़े और उनकी मुखालफत ना हो।